सुबह के 4:30 बजे थे, सहरसा के जेल में अचानक चहलकदमी बढ़ गई। यह चहलकदमी ऐसी थी कि किसी बाहरी को कोई भनक तक ना लगे, क्योंकि खामोश सुबह के बीच आनंद मोहन हमेशा के लिए जेल से बाहर निकल रहे थे। ना कोई काफिला, ना कोई डंका, ना कोई हुजूम, और डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन जेल से बाहर निकल गए। कई घंटे बाद पता चला आनंद मोहन तो जेल से रिहा हो चुके हैं। कोई हल्ला नहीं हुआ, जबकि आनंद मोहन के बेटे राजद से विधायक हैं। समूचा परिवार राजद से जुड़ा है और सरकार भी राजद के गठबंधन की है। कहीं इस खामोशी की वजह सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन तो नहीं है? करीब 6 साल पहले जब सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जमानत पर जेल से बाहर निकले थे, तब ऐसा माहौल नहीं था। तब शहाबुद्दीन के पीछे 1500 गाड़ियों का काफिला था। सिवान ने स्वागत के लिए फूल बिछा रखा था। मुसलमान समाज में गजब का उत्साह था। विपक्ष और मीडिया में गजब की बेचैनी थी। विपक्ष में बैठी बीजेपी सत्ता में बैठे नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को दुत्कार रही थी, तो मीडिया सुर में सुर मिलाकर जंगल राज रिटर्न की दुहाई दे रही थी। सबको शहाबुद्दीन का इंटरव्यू चाहिए था, सबको शहाबुद्दीन से कुछ कहलवाना था। जेल से बाहर निकलते ही मीडिया ने झपट्टा मारा और अपने बेबाक बोल के लिए मशहूर शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कह दिया। उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नेता मानने से इनकार किया और लालू यादव को स्वीकार किया। शहाबुद्दीन का यह बयान चर्चा का विषय बन गया। टीवी पर डिबेट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में नीतीश तेजस्वी की सरकार पहुंच गई। मकसद शहाबुद्दीन को फिर से जेल भेजना था। हुआ भी वही, और एक बार फिर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सलाखों के पीछे चले गए। अब 6 साल बाद जब आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं, तो उस घटनाक्रम से सीख लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद मोहन को बखूबी पता है कि मामला गर्म है, इस माहौल में चुपचाप रहना ज्यादा बेहतर है। आपको बता दें कि जेल नियमों को बदलकर बिहार सरकार ने आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला है। हालांकि नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है और बिहार सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई है। वहीं विरोधी राजनीतिक पार्टियां भी औपचारिक विरोध कर रही हैं और आनंद मोहन को फिर से जेल में डालने की मांग कर रही हैं। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। सरकार ने नियम बदलकर रिहा किया है, तो नियम ही बदलकर फिर जेल में डाला जा सकेगा, जो नीतीश कुमार का यू टर्न होगा। इंतजार कीजिए क्या होता है।